भगवान जी ने पेंट कर दिया। मैं भी यहाँ पेंटिंग कर रहा हूँ, वहाँ भी भगवान पेंटिंग कर रहे हैं। तुम भी यहाँ पेंटिंग कर रहे हो, वहाँ भगवान जी पेंटिंग कर रहे हैं। ये मेरी पेंटिंग है। ये देखो सिद्धार्थ ने कौन सा आर्ट है, ये वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट तुमने किया? हाँ। और मासी ने जो किया वो दिखाओ। वो अच्छा। क्या कर रही हो? मैंगो 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 खा रही है ये। इसकी मासी ने बनाया है, ये वेस्ट मटेरियल से बनाया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो है वेडनेसडे की, अराउंड 11:30 या 12:15 बजे के आसपास का ये समय था। और चारों तरफ एकदम घटा, जिसे कहते हैं ना काले बादल जब घेर लेते हैं ना और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, ऐसा कुछ मौसम हो गया था आज। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सारी चीज़ें घर की उथल पुथल हो गई, लेकिन फिर भी हमारा बिल्कुल भी दरवाज़ा बंद करने का मन नहीं हुआ। लग रहा था कि बस बालकनी में खड़े रहें और इस चीज़ को इंजॉय करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बार बार देखने नहीं मिलती हैं। और अगर आपको लग रहा हो कितना ब्राइट डे है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं था, एकदम अंधेरा था। इवन मेट्रो के अंदर ना लाइट्स तक जल गई थी। मेट्रो हमारे सामने से होकर गुजरती है ना, तो लाइट्स उसकी जली हुई थी, तो इतना अंधेरा हो गया था। कैमरे में क्या होता है, जब भी आप कोई अंधेरी जगह दिखाते हो ना, तो वो अपने आप उसको ऑटोमेटिकली ब्राइट कर देता है, तो इसीलिए सारा ब्राइट ब्राइट लग रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कितना सुंदर ये व्यू था, दो कलर में, ब्लैक एंड वाइट में बट गया था स्काई। ये देखो एकदम नीचे नहीं लग रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि यहाँ बरस जाए, भागे चले जा रहे हैं। मैं अपना काम छोड़ के आके बालकनी में बैठ गई थी, और सिद्धार्थ भी बार 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 अपनी क्लास को बीच में छोड़ छोड़ के आ रहा था यहाँ कि मम्मा थोड़ी देर बैठने दो, बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली स्काई बहुत खूबसूरत था आज का। कितना बढ़िया मौसम है ना, मज़ा अच्छा। आसमान इतना सुंदर लगता है ना यहाँ से बारिश में, और जब बारिश होती है ना तो ऐसे जो बारिश उड़ती है ना वो बहुत सुंदर लगती है। आज का मौसम तो बस ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे कैमरा लगा के बैठ जाऊँ, आप देखते रहो और मैं भी इसको देखती रहूँ। कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बस लग रहा है बालकनी में बैठे रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी दो चार कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने किचन के लिए मंगाई हैं, जो हैं तो बहुत छोटी मोटी लेकिन बहुत यूज़फुल हैं। अगर आपको उनमें से कुछ भी पसंद आता है तो उनको आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरा लिंक से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और जो भी चीज़ आपको पसंद है उसको आप बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही छोटू सा चीज़ लेकिन बहुत ही यूज़फुल, वो है ये क्लीनिंग ब्रश। इसको आप यूज़ कर सकते हो बेसिन क्लीन करने के लिए, टाइल्स क्लीन करने के लिए, इवन आप इसको ना बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ये ब्रश है और इसके अंदर ये डिस्पेंसर भी है, मतलब आप यहाँ पे सोप को फिल कर दीजिए और उसके बाद आपको बार बार इसमें सोप भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोप और चाहिए तो यहाँ से देखिए एक ये पुश बटन टाइप का दिया हुआ है, इसको हल्का सा आप ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको सोप जो है वो मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो है 199 रुपीज़। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो भी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत यूज़फुल है, वो है ये फनल। ये सिलिकॉन की है और ये कोलैप्स हो जाती है, मतलब आपको जब इसे यूज़ करना हो तो आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हो, और अगर आपके किचन वगैरह में स्पेस कम है ना तो इस तरीके के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे अगर आप कहीं रखते हो ना तो थोड़ा सा स्पेस का इशू हो जाता है, लेकिन जब आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसको इस तरीके से आप कोलैप्स कर दीजिए और ये बहुत ही आसानी से किसी भी कोने में फिट हो जाएगी। सिलिकॉन की ये फनल आपको मिल जाती है 249 रुपीज़ में। उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग एग खाते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, डेली हमको एग बॉईल करना होता है। उसके लिए पानी भरो पतीले में, फिर उसमें एग रखो और फिर बॉईल करो। तो एग बॉईल करने के लिए एक ये आया है एग बॉयलर, ये बहुत ही कन्वीनियंट वे है एग बॉईल करने का। अलग से आपको किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती और बार बार आपको आके एग को चेक नहीं करना पड़ता है। और क्या होता है ना, कई बार आपका एग जो है थोड़ा सा कम रह जाता है, कई बार आपका एग थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड बॉयल हो जाता है, तो उसका सलूशन है ये। इसमें टाइमिंग फिक्स है और इसके अंदर क्या क्या मैं दिखा देती हूँ। ये सिंपल एक प्लास्टिक टाइप की लिड है इसके अंदर, जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसके साथ में ये एक टम्बलर टाइप का आपको मिल जाता है जिसके अंदर सारी मेज़रमेंट है, ये पानी को मेज़र करने के लिए, जैसे कि मीडियम हार्ड बॉयल कैसा आपको चाहिए तो उस हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे। आइडिया इसका ये है
है कि जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो आपको इससे मेजर करके इसके अंदर पानी ऐड करना है। टोटल इसमें आप 7x को प्लेस कर सकते हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये स्टील है और इसके ऊपर आपको पानी डालना होता है। आपको इस तरीके से ये स्टैंड यहाँ रखना होता है, फिर आप इससे पानी इसमें डालते हैं और ऊपर एग प्लेस करते हैं। तो ये प्रोडक्ट चुपचाप किचन के कोने में रखा रहेगा और आपका काम बिना किसी तरीके का मैस फैलाए कर देगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मिल जाता है आपको 319 रुपीज़ में, यानी 319 रुपये का ये आपको एग बॉयलर मिल जाता है। उसके बाद मैंने मंगवाया है ये पैन, ये आयरन का है, नॉनस्टिक नहीं है। इसका डायमीटर की बात करें तो 25 सेंटीमीटर का है और 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो छोटी मोटी कोई चीज़ बनानी हो, थोड़ी बहुत सब्ज़ी आप इसमें फ्राई कर सकते हो, आप इसमें तड़का लगा सकते हो, या फिर भुजिया वगैरह जो बनाने के लिए ना थोड़ा सा छोटा बर्तन हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए इस टाइप के पैन बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके हैंडल हैं और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है ग्रिप के लिए, जिससे ग्रिप भी अच्छी बनती है और आपको हैंडल गर्म भी नहीं लगता है। सबसे अच्छी बात है कि ये पैन जो है ये डील ऑफ द डे में है। इसका एक्चुअल प्राइस है 379 रुपीज़, लेकिन ये आपको सिर्फ मिल जाएगा 349 रुपीज़ में अगर आप इसको आज ही ऑर्डर करते हैं। तो सबसे लास्ट में इस शॉपिंग का सबसे मेरा फेवरेट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैं काफ़ी टाइम से लेने का सोच रही थी, वो है ये पूड़ी प्रेस या रोटी प्रेस या चपाती प्रेस, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे आपको ये एंटी स्किड एक प्लेटफॉर्म टाइप का मिलता है। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो ये इधर उधर स्लिप नहीं होगा, एक जगह पे ही अच्छे से होके रहेगा। और ये पूड़ी प्रेस जो है ये स्टेनलेस स्टील का है, अच्छा हैवी है, भारी में है और इसका जो प्राइस है वो है 429 रुपीज़ का। अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा लिंक के नाम से, जहाँ पर जाके आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक जितने भी मैंने हॉल शेयर किए हैं मेरा लिंक के, उन सारे प्रोडक्ट को भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हमारी शाम की चाय में आपका स्वागत है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लग रहा है ना, बिना पंखे के, अभी भी हमने फैन ऑन नहीं कर रखा है, बिना पंखे के भी ठंड का एहसास हो रहा है। इवन 2 दरवाजे मैंने बंद कर रखे हैं, ज़्यादा वो वेंटिलेशन हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ठंड लग रही है, सीरन सी हो रही है ना मम्मी। आज बहुत मज़ेदार मौसम है और ऐसा स्काई तो सालों के बाद देखा, एकदम अलग ही लग रहा था स्काई, ब्लैक एंड वाइट में एकदम दो कलर में बट गया था और बादल उड़ उड़ के जा रहे थे इधर से फिर उधर से, इतनी तेज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी सोसाइटी के ऊपर घूम रहे थे। बहुत जल्दी हम लोग चाय पी रहे हैं आज, मौसम ही ऐसा है और आज कुछ अच्छा भी बनाएंगे, थोड़ा तला वला बनाते हैं आज। अब पता है ना स्नैक्स भी जमने चीज़ नहीं बेटा, जब इतना अच्छा मौसम होता है ना तो अपने आप ही कुछ अच्छा सा खाने का, तला हुआ बेसिकली खाने का मन होता है, पकौड़े जैसा। लेकिन आज मैं पकौड़े नहीं बना रही हूँ, आज मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत खाने का मन हो रहा है, पूड़ी और उसके साथ बढ़िया सी सब्ज़ी और साथ में आमरस। तो सब लोगों का यही ओपिनियन था कि हाँ आमरस और पूड़ी सबका खाने का मन है। तो मौसम अच्छा है तो पूड़ी जैसा चीज़ थोड़ा सा जैसे हैवी होता है तो वो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा, मन भी कुछ जो तला हुआ खाने का है सबका वो भी पूरा हो जाएगा और एक बढ़िया सी चीज़ भी बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। आलू मटर की ये खट्टी खट्टी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और पूड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छी जाती है। तो आप ये मेन्यू अपने लिए सोच सकते हैं आज शाम को ही, आलू और मटर की सब्ज़ी साथ में पूड़ी और आमरस। तो यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, ना इसमें अदरक जाता है ना लहसुन जाता है, सिंपल प्याज टमाटर और जीरे वगैरह का छौंका लगता है। तो आलू मैंने उबाल के पहले ही रख लिए थे, अभी मैंने तेल के अंदर थोड़ा सा तेल डाला है, तेल सरसों का ही है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और कटे हुए चॉप्ड अनियन डाल दिए, कोई भी खड़ा मसाला आपको इसमें नहीं डालना है। अनियन आपको अच्छे से ब्राउन करके भून लेना है जैसे कि मैंने कर लिया है। उसके बाद आपको ढेर सारे इसमें टमाटर डालना है, मैंने एक छोटा साइज़ का प्याज लिया था और उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के खट्टे वाले जो देसी टमाटर होते हैं उनका इस्तेमाल किया है, ताकि खटास खूब बढ़िया सी आए।
टमाटर को मैंने 10-15 सेकंड तक फ्राई किया और उसके बाद कच्चे टमाटरों में ही मैंने यहाँ पे जो फ्रोज़न मटर है वो ऐड कर दिया ताकि टमाटर और मटर एक साथ पक जाएं। आलू तो ऑलरेडी मैंने उबाले हुए हैं, साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा नमक डाल करके ढक ढक के पका लिया जब तक टमाटर और मटर अच्छी तरीके से गल नहीं गए, पक नहीं गए। बचपन में ये हमारी सब्ज़ी फेवरेट हुआ करती थी तो श्वेता का भी यही खाने का मन था कि टमाटर वाली सब्ज़ी बनाओ। मम्मी ये बनाती थी खट्टी खट्टी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, कभी कभी खाली आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी के साथ या फिर पूड़ी के साथ, इसे बहुत इंजॉय करके हम लोग खाते थे। तो वो मेमोरी भी हमने आज थोड़ा सा ताज़ा करी और ये वाली सब्ज़ी मैंने बनाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटर भी पक गया है और जो टमाटर है वो भी अच्छे से ऑयल सेपरेट कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल से अब इसमें सिर्फ 3 मसाले जाने हैं, एक तो हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर थोड़ा अच्छे से डालिएगा, अगर सब्ज़ी में 1 चम्मच डालते हैं तो 1 और आधा चम्मच यानी 1.5 चम्मच डालिएगा। धनिया से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें ना ही गरम मसाला पड़ेगा, ना ही लौंग, इलायची, दालचीनी, कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही सिंपल सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद फिर बॉयल जो हमने आलू छील करके रखे हैं और काट करके रखे हैं उसको हम ऐड कर देंगे। और ये आलू मटर की खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी आप इंजॉय कीजिए। इसमें एक और चीज़ मस्ट है, 2 चीज़ें, जैसे कि एक तो मैंने धनिया पाउडर बताया जो मसाले वाला धनिया, और दूसरा हरा धनिया। हरा धनिया इसमें ज़रूर आप इस्तेमाल करना, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये कुछ गिने चुने इन्ग्रीडियंट से ही बहुत अच्छी वाली, बहुत बढ़िया वाली, टेस्टी वाली सब्ज़ी आपकी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया। आलू डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा भूना लगभग 1 से 1.5 मिनट और बस फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक और फिर इसमें जाएगा हरा धनिया और फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि हम ये सूखी सब्ज़ी नहीं बना रहे, थोड़ा सा हम इसमें ग्रेवी रखेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको उबाल लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और बस ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। सब्जी मैंने बना ली है और आमरस और पूरी बनाना है, आटा भी लग गया। तो आमरस ज़्यादा देर का नहीं, बस 5 मिनट लगेंगे आमरस बनाने में और पूड़ियाँ बस तलनी है। और ये मैडम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सिद्धार्थ के। ये वाले बालकनी से ना बहुत अच्छी हवा आती है, बहुत ही अच्छी, मतलब सबसे अच्छी हवा उधर किचन और इधर से भी आती है और इधर से भी आती है, दो जगह से। मेरे बेडरूम में थोड़ा सा कम आती है क्योंकि उसका बालकनी थोड़ा सा कॉर्नर पर पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं किचन में। कितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, किचन में गर्मी लगती ही लगती है, पसीने छूटते हैं वहाँ पे, बस कभी कम कभी थोड़ा ज़्यादा। और मैं चॉपिंग कर रही थी, जो मैंने नाइफ़ लिए है ना, तो मम्मी को उन्हें देख के बड़ा डर लगता है कि इतने बड़े बड़े नाइफ से कैसे काम करती, खटर खटर खटर। तो मुझे मेरे बचपन की स्टोरीज बता रही थी कि मुझे चॉपिंग मुझे याद नहीं है, छोटी थी। हाँ, बहुत छोटी सी थी तब के बाद। हाँ, क्या बता दो, वैसे भी सब लोग जानना चाहते हैं कि अपनी मम्मी से पूछना है बचपन की बात। सब्जी काटने का बहुत शौक था, चाकू तुरंत चाहिए, अगर बैठो चाकू लेके तो उनको भेज, तुमको भेज चाकू। चाकू लेके बैठती थी और नहीं मिली कहीं, छुपा उपा के काट के अगर किचन में रख दिया धुली सब्जी तो वहाँ चुपते चुपते जाके घुस के चाकू लेके काटने लगती थी, उंगली कट जाती थी लेकिन मैं मानती नहीं थी, मुझे मानती नहीं थी, इतना सब्जी काटना पसंद था। और वो अभी तक है, मुझे सब्जी काटना बहुत पसंद है, मुझे चॉपिंग बोर्ड बहुत अच्छा लगता है, मुझे अलग अलग तरह के नाइफ बहुत अच्छे लगते हैं। सब्जी काटने का इनका बड़ा शौक था, बहुत अच्छा। पालने में मेरे पैर दिख गए थे, पीछे से कमेंट कर रही हूँ। तो मुझे सब्जी काटना, मतलब ये सारी बातें मुझे उतना याद नहीं है, बस ये याद है कि जैसे आप बैठते थे ना तो दूसरा चाकू लेके मैं बैठती थी, दूसरा चाकू, लेकिन मैं छुप छुप के जो कटी हुई सब्जी है ना उसको भी काट कुट के रख देती थी और उंगलियां भी खूब काटी है मैंने। उंगली कट जाती थी तो रोकते भी नहीं थे, बाद में देखो जाके तो अपनी गलती होती है बच्चे की तो रोता नहीं है ना, जब दूसरे की गलती होती है तो बिना मतलब के चिल्लाएगा। हाँ, ये बात होती। और एक गुड़िया थी मुझे याद है मेरे पास, जो आप पहले बड़ा नया कॉन्सेप्ट चला था जी, आंख बंद करने वाली गुड़िया का। और उसके लिए बहुत जिद करती थी किशोर की लड़की, और मुझे उसका रेट भी याद है। देखो मुझे कुछ चीजें जो मेरे दिमाग और दिल पे असर कर चुकी है ना, मुझे मेरी बाय द वे बचपन की या मेरे को ना चीजें याद नहीं रहती है, मुझसे ज्यादा उसको याद रहती है। इवन मेरी प्रेगनेंसी में जब वो आई थी श्वेता टेक केयर करने के लिए 1 महीने के लिए आई थी, वो समय 9th में थी,
नाइन्थ में थी तुम श्वेता उस टाइम? नाइन्थ में थी उस टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो ये आई थी। तो उस समय क्या मेरी क्रेविंग्स थी, कैसे मैं करती थी, वो उसको याद है मुझे, मतलब 80% मैं भूल चुकी हूँ, तो मेरा थोड़ा मेमोरी ऐसा है। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बहुत याद हैं। वो गुड़िया का मुझे प्राइस तक याद है, 40 रुपए की गुड़िया मिली थी उसमें। भूल गए मुझे वो दादा के यहाँ लिया था, जब दादा वहाँ रोहतक में दादा रहते थे, गांव में बहुत आफत मचा रखी, तो वहाँ के जो बाजार थे वहाँ से जाके 40 रुपए की गुड़िया लाए थे, पर्स लाए थे 40-50 की उस। और एक लाल कलर की जो मेरी सैंडल थी जो मुझे प्यारी थी, वो भी मुझे याद है। कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो इंसान के दिमाग में एकदम घर कर जाती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, वो याद रहती है। ज़्यादा ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे, आँख बंद खुल वाली गुड़िया चाहिए, आँख बंद खुल वाली की गुड़िया चाहिए, कच्चा रखे यहाँ रोहतक में देखा थी। सारी बातें तो नहीं बता सकते बचपन की, नहीं तो पूरा ब्लॉग ऐसे ही निकल जाएगा, बट हाँ कुछ कुछ शेयर कर सकते हैं। तो चलो मैं अब आमरस बना लेती हूँ, अब नहीं लेट हो जाएगा। बना रहे थे इसीलिए मैं चली आई बनाना। बेलना का है वो, तो उसमें बनेगी ना। अच्छा हाँ, तो बेलना भी नहीं, फटाफट हो जाएगा। हाँ, दो जन की जरूरत नहीं, बेलने में टाइम लगता है। हाँ, बेलने में टाइम लगता है वो करके। और आमरस बना लेती हूँ आम छील के सबसे पहले ना। तो आम चल छील ले। नहीं नहीं मैं छील लूंगी, आप बैठो ना, आराम कर लो थोड़ी देर। आराम कर रहे थे, काम पूछ रहे थे, कुछ ससुर जी का फोन। मेरे ससुर जी? इसके ससुर जी, ये तो सपने ही देख रही है कि इसके सास ससुर कब होंगे, इसके सास ससुर कब होंगे भाई बता दो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? चलो जी मैं जाती हूँ किचन में, आप लोग करो चिल आउट, फैन चला देती हूँ। ऐसे जो आमरस बनाया जाता है ना, वो तो हाथों से आम को मसल मसल के आप बनाते हैं, उसका जो पल्प होता है वो निकाला जाता है, लेकिन मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको मिक्सी में ही ग्राइंड कर लूँगी। आमरस में चीनी का भी थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क भी डाला जाता है, बट मैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मिल्क तो मैं डाल सकती थी लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, और चीनी जो है वो भी मैंने अवॉइड किया क्योंकि ये लंगड़ा आम है और बहुत मीठे होते हैं, तो चीनी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस मैंने क्या किया है, सिर्फ आम का पल्प निकाला है और उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और हमारा यमी यमी डिनर बनके तैयार है। ऐसे मौसम में ऐसा खाना बहुत अच्छा लगता है। अजवाइन और नमक की पूड़ी बनाई है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा नमक आप ज़रूर डालें जब भी आप ये वाली पूड़ी बनाएं आमरस के साथ खाने के लिए, क्योंकि जब वो आप थोड़ी सी नमकीन नमकीन पूड़ी आमरस के साथ खाते हैं ना, ठंडे ठंडे आमरस के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये जो कॉम्बो है ना तीनों चीज़ों का, ये एकदम परफेक्ट है, तो इसको ट्राई आप ज़रूर करना। तो ये रही हमारी आज की डिनर थाली, एकदम कहते हैं ना आत्मा को तृप्त कर देने वाला खाना था ये, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन इसको ट्राई करके देखना, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये सिंपल सा लेकिन बहुत यमी सा डिनर बन के तैयार है। होपफुली आपको आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।